Oh,
करके अपना जीवन से कुछ उतारेगा नहीं है। क्योंकि वो कथा श्री महत्व ने कथा जीवन में स्वयं अपना जीवन में आचरण पिला दे, लेकिन गैया को तो पिला देते, लेकिन गैया धो भी नहीं देता है।
फिर उसका जितने शास्त्र कर्तव्य करना सब कुछ करना सिर्फ हिंदू प्रेम रखकर। जैसे गैया बिना दूध के जो गैया है जैसे पालन करने पर उसको दूध नहीं मिलता है, लेकिन उसी तरह जितने सारे शास्त्र कर्तव्य करना उसका बेकार हो जाता है। गुरु जी पर जो कर्तव्य थी मतलब साधारण हमारे जैसे गुरु जी क्या करते हैं, हम जैसे हमारे जैसे तो रहते हैं, हम जैसे खाते हैं पीते हैं सोते हैं, हमारे जैसे तो गुरुदेव करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण दास पटेल कुछ काम कहते हैं, यद्यपि हमारा गुरु चैतन्य रहता तथा भी जानिए हमें कार्य जब अकेला ईश्वर कृष्ण जगत में अकेला ईश्वर कृष्ण ही जगत का एक मालिक, जगत के मालिक कौन है, भगवान कृष्ण सब जगत में उनका सेवक है, केवल कृष्ण ही जगत का अकेले मालिक और सबके सब की कौन है, हम उनकी संतान सोमे को माता चर पिता हम सबको उनकी संतान भगवान। इसलिए उसी दृष्टि से जब जगत का पिता कृष्ण हम सब उनके बच्चे हैं तो हमारे गुरुदेव क्या हो, हमारे तो भगवान के बच्चे हुए ठाकुर की संतान हुए। लेकिन कहते हैं एक शिष्य फिर गुरु जी को किस बुद्धि में, एक शिष्य गुरु जी को कौन सा बुद्धि में देखे, यद्यपि हमारा गुरु चैतन्य दास तथा भी जानिए आनी दास। गुरु जी को एक शिष्य ये मानता है भगवान के अभिन्न प्रकाश के गुरु गुरु रूप में जगत में, इसलिए कृष्ण कहते हैं सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में।
Thank you.
भगवान के चरित्र है, इसीलिए श्रवण
इसीलिए यहाँ पे लिखा है श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन, श्रवण और कीर्तन के जल से उसको सींचे। देखिए जैसे श्रवण कैसे प्राप्त होगा, पात्रता कैसे प्राप्त होगी, पात्रता प्राप्त होगी श्री जी की कृपा से। कैसे? एक बार क्या हुआ, श्री नंद बाबा के यहाँ पे रस की परिवेशित वर्षणा हो रही थी, वो बट रहा था, रस बट रहा था, उसका परिवेशन हो रहा था। जब सारे के जब नंद बाबा परिवेशन कर रहे थे तो नंद बाबा ने कहा भैया मैं रस का तो परिवेशन करूंगा लेकिन अपना अपना पात्र ले आना। अच्छा पात्र मिल जाएगा तभी तो उसमें रस डालेंगे। तो जैसे ही लाइन लगी रस के लिए तो नंद बाबा श्री कृष्ण दे रहे हैं रस, लेकिन जैसे कुछ लोग अपना पात्र नहीं लाए तो उनको नंद बाबा ने कहा कि नहीं आप पात्र नहीं लाए तो आप चली जाइए बाहर। इतने में श्री राधा रानी ने ये देखा और वो दौड़ करके गई, भानु नंदिनी दौड़ करके गई भानु जी के यहाँ, भानु जी के महल में, कहा प्रभु कहा अपने पिता से कि मुझे पात्र चाहिए ताकि मैं पात्र का परिवेशन कर सकूं। इसलिए पात्र कौन देगा, श्री जी ही पात्रता प्रदान करेगी। जब श्री जी पात्रता प्रदान करेगी, जब श्री गोविंद रससार सरोवर के जो समुद्भूत पंकज हैं वो श्री गोविंद का रस उसके अंदर प्रस्तुत होगा। इसलिए पात्रता कौन प्रदान करता, पात्रता श्री जी प्रदान करती है, सदगुरुदेव की कृपा, श्री जी के द्वारा सदगुरुदेव कृपा कर, श्री जी की से प्रेरित होकर के सदगुरुदेव कृपा करते हैं तब जाकर के पात्रता श्रवण की हमें प्राप्त होती है। हम लोग भागवत जी का श्रवण करते हैं, भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, ये सब क्या है, ये सब हमारी पात्रता, हमें पात्रता प्रदान की है, यानी हम पर कृपा की है तब जाकर के पात्रता प्रदान हुई है। इस कारण से ये कहा है, देखिए भगवान की कथा कौन कह सकता है, ऐसे नहीं कि कोई भी मुंह उठाया हुए कथा कहे, ऐसे नहीं है। भगवान की कथा देखो, यदि किसी की प्रज्ञा नहीं होगी ना तो भगवान की कथा नहीं कह पाएगा। बट भगवान कह रहे हैं स्वयं लक्ष्मी जी से, सुन लक्ष्मी, राधा तापनी उपनिषद में सुन लक्ष्मी, अस्य लोकस्य महात्म्यम् अहम् वक्तुम् अशक्तश्च, ब्रह्मलोके स्थिता रुद्रलोके स्थिता देवी मम लीला न जानन्ति, केवलम मम अन्ये मम भक्ता बहवः सन्ति पर तेपि मम लीला न जानन्ति, केवलम राधिका पदरसे मनोमज्जतु तेपि जानन्ति नान्ये। कहा है राधा ताप्य उपनिषद में भगवान शिव नारायण प्रतिगमन कर रहे हैं, जब प्रतिगमन करते हुए लक्ष्मी जी से कहा कि हे लक्ष्मी मेरी कथा को कौन कह सकता है, श्री राधा कृष्ण की कथा को कौन कह सकता है, बोले अन्ये मम भक्ता बहवः सन्ति, यद्यपि मेरे भांति भांति के भक्त हैं पर वे भी नहीं कह सकते, ब्रह्मलोक के स्थित ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में बैठे हुए कमंडल को धारण करके पद्मासन लगाए बैठे हैं, क्या वे कह सकते हैं, बोले नहीं कह सकते, रुद्रलोक के स्थित शंकर भगवान कह सकते, बोले नहीं कह सकते, ते भी ममलीला न जानती, फिर कौन कह सकता है, बोले केवलम राधिका पदरसे मनोमज्जतु ते भी जानती नान्ये, जिन पर श्री राधा रानी कृपा कर देती है केवल वही मेरी कथा कह सकते हैं, अन्य मेरी कथा कोई नहीं कह सकता। इसीलिए केवलम राधिका पदरसे मनोमज्जतु ते भी जानती नान्ये, यही कारण है। दूसरी बात, अच्छा एक और बात है, देखो जब गुरुदेव, इसलिए यहाँ पे श्रवण कीर्तन से ही सिंचन होगा, कैसे, जब श्रवण प्राप्त होगा हम लोगों को गुरुदेव के द्वारा, फिर हम लोग कीर्तन, हम लोग कीर्तन किसको कहते हैं, अमर कोश में कीर्तन शब्द का अर्थ लिखा है उच्च भाषा तो कीर्तन, जो हम लोग उच्च स्वर से श्री भगवान का गुणानुवाद करते हैं अथवा भगवान के नाम से श्री भगवान को पुकारते हैं, इसलिए उच्च भाषा तो कीर्तन, भगवान को पुकारते हैं तो ये पात्रता गुरुदेव की ही कृपा से आएगी, इसीलिए श्रवण से सिंचन होगा इस चीज का। और दूसरी बात, जब श्रवण प्राप्त हो जाएगा, जब भगवान की गुरुदेव की कृपा से श्रवण प्राप्त हो जाएगा तब जो वो अमोघ रस रजकरणी का है, जो देखो पहली बात तो साफ है, सुखदेव गोस्वामी जी जो है उन्होंने जब श्रीमद् भागवत जी कही है तो ऐसे नहीं कि ये लिए और कह दी, नहीं, ये श्रीमद् भागवत जी का जो फल है, श्रीमद् भागवत जी का जो टेस्ट है वो सुखदेव जी के मुख से मुख में कैसे प्रवेश किया, जब श्री राधा कृष्ण श्री निकुंज में
कंधे पे, एक हाथ श्री गोविंद का श्री राधा रानी के कंधे पे और बंसी के सारे तीन छेद श्री गोविंद के हाथ में, बंसी के सारे तीन छेद श्री राधा रानी के हाथ में। जब वे लोग निकुंज में प्रतिगमन करते हैं तो उनकी कटी के ऊपर जो किंकरी सुशोभित होती है, श्री राधा रानी के जो जो कमर में जो किंकरी सुशोभित होती है और श्री कृष्ण की कमर में जो कंधनी सुशोभित होती है, जब वे एक दूसरे के साथ घर्षण करती है तो उस घर्षण से जिस रस का परिवेशन होता है, तब वो परिवेशन निकुंज की माटी में मिश्रित हो जाता है और श्रीजी की कृपा से ऐसी मल्याचल पवन का उदय होता है कि मल्याचल पवन उस परे हुए रससार सरोवर रस जो है, उस दिव्य रस जो ब्रज की रज में सना रस है, उसको उठा करके और जो वायु है वो धीरे धीरे जाती है और किसी न किसी पेड़ पर शुक और शारी बैठे रहते हैं और शुक के मुख में वो जाकर के रज करने का जब प्रस्तुत होती है, तब जाकर के श्रीमद् भागवत जी के श्लोक उच्चरित होते, तब जाकर के श्रीमद् भागवत जी के दिव्य श्लोक उच्चरित होते। इस कारण से उच्चई भाषा को कीर्तन, इसीलिए श्रवण से और भगवान के श्रवण से ही सिंचन होगा, श्रवण से और कीर्तन से ही सिंचन होगा। और श्रवण के और भी बहुत सारे भाव हैं, श्रवण के भाव अन्यान्य हैं, श्रवण के इफेक्ट बहुत सारे हैं, जो समस्त पाप ताप संताप इत्यादि जो हम लोगों को परेशान करते हैं, सताते हैं, आदिदेविक आदि भौतिक आध्यात्मिक इत्यादि जो ये सब है, ये सब कैसे जाएंगे, ये सब क्या है, ये सब एक महापातक जो हमारे हैं, उसको नाश, जब तक वो नाश नहीं होंगे तब तक ये नहीं जाएंगे। और नाश कैसे होंगे, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकम अक्षरम पुंसा महापातक नाशनम ध्यात्वा नीलोत्पल श्यामम रामम राजीवलोचनम जानकी लक्ष्मणोपेतम जटा मुकुट मंडितम सारसीतून धनुष्पाण पाणिं नक्तक्षरांतकम स्वलीलया जगत्त्रातुमाविर्भुद्मजं विभुं राम रक्षा पठे प्राज्ञ पापाग्नि सर्वकामदं शिरोमिगाघव पातु भारं दशरथात्मजम्। भगवान के चरित्रों को श्रवण करके ही, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम्, भगवान के चरित्रों को श्रवण करके ही होगा। इस कारण से और जो मति के अंदर भ्रमिता है, जो हम लोग भ्रमित हो रहे हैं, जो मति के अंदर भ्रमण कर रहे हैं, हमारी बुद्धि को बुद्धि बन करके जो भ्रमण कर रही है, जब बुद्धि को उठी तो जाती है ना, तब ऐसे भ्रमण करती है कि आदमी क्या बोल रहा है वो सब पता ही नहीं चलता, वो किस हवा में बात कर रहा है। अभी पीछे की घटना है हापुड़ की, अभी पीछे क्या हुआ जानते हो, हापुड़ में हुआ, पीछे बारात गई ब्याह कर दूल्हे दुल्हन को लेने के लिए बारात गई, तो दूल्हे के जो बाराती थे उनको रसगुल्ला नहीं मिला, इसलिए वे नाराज हो गए, भोजन के बाद रसगुल्ला नहीं लिया, बोले दुल्हन ही लेके जाएंगे। बताओ सच्ची बात है, मेरे पास न्यूज पेपर में है और मेरे पास आर्टिकल भी है, ये सब क्या है, कुंठित बुद्धि हो जाने के कारण ही है, यही बात है। श्रील प्रभुपाद जो है, भक्ति सिद्धांत श्रील प्रभुपाद जी जो है, उनके पास कोई व्यक्ति आते तो वो कहते कि क्या सेवा करें, क्या सेवा करें, तो वो वही यही कहते कि भैया कुछ नहीं, तुम मेरे पास आकर के केवल कथा श्रवण कर लिया करो, जब तुम मेरे पास आकर के कथा श्रवण कर लोगे तो बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, यही मेरी सबसे बड़ी सेवा होगी। इसीलिए श्रवण, इसीलिए यही बात है, यहाँ पे यही बात कही जा रही है कि श्रवण से और कीर्तन से ही सिंचन होगा भक्ति लता बीज का। और जब उसका सिंचन हो जाएगा, जब वह लता प्रस्तुत हो जाएगी, वो आगे का बयान है इस कारण से। और एक और बात है, देखो श्रवण करने के लिए शरणागति की पात्रता नहीं होती कोई भी, भगवान की शरण में कोई कहता है कि पात्रता नहीं, हमारी अपात्रता ही इसकी सबसे बड़ी पात्रता है कि हम अपात्र हैं, तो भगवान की शरण में जाने के लिए हमें अपात्र ही होना पड़े। अगर हमारे पास अब किसी के पास कुछ है, वो लेकर के किसी के पास जाता है, तो फिर वो क्या है, वो प्रॉपर सरेंडर नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम अपात्र हैं, तब जाकर के जब हम भगवान के पास जाते हैं तब भगवान स्वीकार करते हैं कि अब इसके पास मुझे मेरे अतिरिक्त कहलाने वाला कोई नहीं है, यही बात होती है। इसीलिए घर का काम करते करते, जगत का काम करते करते ही भगवान का भजन करना चाहिए,
जगत का काम करते करते ही श्री भगवान का भजन करना चाहिए। इसीलिए इसमें कोई ओकेशन हमारे गुरुदेव कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, मुंह से नाम लेते चलो और हाथ से काम करते चलो। जैसे एक मैया है, जब वो मैया बैठती है और अपना उसका छोटा सा बालक है, वो छोटे से बालक की छुरा शांत करके उसको कोने में बिठा देती है और मैया घर का काम करने लग जाती है। लेकिन एक आंख मैया अपने बच्चे की तरफ रखती है, गलती से भी उसको यदि कोई कुछ भी हो जाए, त्रुटि हो जाए, तो एकदम से वो भागती है। एक कान और एक आंख जैसे मैया एक बच्चे की तरफ रखती है, ऐसे ही हम लोग भी संसार के सारे काम करें, सारे व्यवहारों को देखें, सारे के सारे सब रिश्ते नाते इत्यादियों को देखें, लेकिन एक नजर गुरुदेव के चरणारविंदों में अथवा गुरुदेव के मुख से मिश्रित हुई श्री हरि कथा पे रखें कि किसी ना किसी दिन ऐसी दिव्य प्राप्ति हो जाएगी कि हमारा हृदय जब दिव्य बच्चे की तरह रुदन करने लगेगा तब मुरली बजाते हुए श्री गोविंद हम लोगों को लेकर के चले जाएंगे। इस कारण से श्रवण से ही सिंचन होगा, कीर्तन से ही सिंचन होगा। वांछा कर तो दृष्टि के पास में ले वचन पतिता नाम पावन को वैश्य बोलो अगर हम भगवान का नाम याद नहीं
भाव को अपने हृदय में धारण करता है अगला जन्म उसे उसी योनि में प्राप्त होता है। तो इसलिए आप सब क्या बोलेंगे और हमेशा मेरे साथ बोलते रहेंगे हरे कृष्णा 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 हरे 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 प्रकार का महाप्रभु आनंदित कर रहा है।
तो ये करने का क्या आवश्यकता? तो यहाँ पे ग्रंथकार बता रहे हैं कि इनको आवश्यक था क्योंकि श्रीमद् महाप्रभु को केवल पहले ज्ञान था। क्या ज्ञान था? कि कृष्ण किस प्रकार के, कृष्ण जानते हैं कि राधा रानी मुझसे किस प्रकार का सेवा करते हैं, किस प्रकार का जो सेवा करके सुख प्राप्त करते हैं कृष्ण नहीं जान सकते, क्योंकि कृष्ण प्रेम के विषय है, कृष्ण प्रेम के विषय है, ईश्वरी प्रेम के आश्रय तत्व है। तो जो विषय तत्व है वो तो विषय में ही विशेष रूप में वहां पर निमज्जित है, लेकिन जो आश्रय तत्व में जो विचार है वो किस प्रकार के कृष्ण को सेवा करते हैं, किस प्रकार के कृष्ण के लिए खाद्य पदार्थ आदि व्यंजन आदि प्रस्तुत करते हैं, कृष्ण के लिए गुंजा माला आदि प्रस्तुत करते हैं, कृष्ण को किस भाव में श्रृंगार करना चाहते हैं, और वो श्रृंगार और वो प्रसाद और वो सब फूल पुष्प माला आदि को देके वो आलट चावर तांबूल कर्पूर मर्दन सबको देने के बाद किस प्रकार राधा रानी के हृदय में स्थिति होते हैं कृष्ण कभी जान नहीं सकते, कृष्ण जान नहीं पाते हो। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि केवल तो ज्ञान था, और ज्ञान क्या है कि हाँ कि राधा रानी को सेवा करके आनंद हो रहे। लेकिन रामानंद राय जी वो बोलते हैं, रामानंद राय जी राधा रानी को जब कृष्ण अन्नदान मांगते हैं तो बोलते हैं कि अकेले इस रस का आस्वादन नहीं हो सकता, इसीलिए गुरु रूप में ये विशाखा सखी को अपने साथ ले जाओ। तब ये जब शिक्षा देने वो जो रस तत्व का रामानंद राय ने, तब वो जो शिक्षा वो यहाँ पे बता रहे हैं कि विज्ञान। श्रीमद् महाप्रभु को पहले तो केवल ज्ञान ही था, बता रहे जब रामानंद राय जी के मुख से श्रवण करते हैं उनके हृदय में विज्ञान उत्पन्न होता है। अब यहाँ पे विज्ञान का जो शब्द है हमने गौड़ीय ग्रंथकार जो जो अध्ययन कर ले उसमें पहले श्लोक में भी आया था, तो विज्ञान तो उसमें बताया था विज्ञान मतलब विशेष पूर्वक अनुभूति सहित ज्ञान, अनुभूति हो जाना। इस प्रकार थ्योरी हम थ्योरी पढ़ जाते हैं जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा, हम बस जानते हैं कि ये सब्जी ऐसे सब्जी में ऐसे प्रयोग करता है, ऐसे नमक हो जाता है, जब खुद नहीं पकाओगे उसमें भी जब जल जाएगा उसमें भी नमक कम हो जाएगा तेज हो जाएगा, वो जब तक नहीं पकाओगे ना वो ज्ञान नहीं होगा। तो बहुत देर जब आश्वासन करते 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 वो तो विज्ञान प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार भगवान स्वयं ब्रह्मा जी को बोलने की ज्ञान में ब्रह्म बोली कि हे ब्रह्मा तुम मुझे साधन मत समझो, ज्ञान में परम हुए हो, परम हुए तत्व बड़े बड़े योगी ऋषि बड़े बड़े देवता बड़े बड़े जो तपस्या साधक ये बड़े बहुत काल तक तपस्या करते हैं फिर भी क्या करते हैं भगवान को जो परम ज्ञान हो वस्तु को नहीं जान पाते। ऋषि मुनि की बात तो छोड़ दो, ब्रह्मा की बात देखो, यद्यपि समाधि तो विधि रति पद्धति नतवा नपात्र मरीचि, यद्यपि समाधि शु विधि रति मतलब विधाता ब्रह्मा समाधि में अगर विधाता अगर क्या करते हैं पश्यति न पश्यति क्या नहीं देख पाते नतवा नपात्र मरीचि, तुम्हारे नख के अग्र के जो रिचि जो छटा है जो किरण है वहां तक स्पर्श नहीं कर पाते। तो यहाँ पे बोल रहे श्रीमद् भागवत में कि ज्ञानम परम गृहम में यद विज्ञानम समन्वितम समस्त तदंगम ग्रहणम गृहीतम मया, अर्थात हे ब्रह्मा कि ज्ञान मेरा ज्ञान क्या है अद्वय ज्ञान है, इस प्रकार का ज्ञान और कहीं पे भी नहीं है। अब शास्त्र में और एक श्लोक है नंदस्य कार्यम कर्णंच विद्यते नंदस्य भी अधिकस्य दृश्यते परास्त शक्ति विविधेव श्रूयते स्वाभाविक क्रिया ज्ञान बलचे, भगवान का जो ज्ञान है न तस्य कार्यम करना इस प्रकार का ज्ञान ना किसने दिखाई दिया, किसने तो दिखाई दिया ही नहीं और ना श्रेष्ठ में श्रेष्ठ वस्तु में दिखाई देगा। तो जो ज्ञान है उसको हमारे कृष्णा चक्रवर्ती ठाकुर माधुर्य कादर मैंने बता रहे अश्वमर्थ ज्ञान, अश्वमर्थ शब्द का यहाँ पे अर्थ बोलना की ना अश्वमर्थ ज्ञानी थी इति सर्वदा, मतलब इस प्रकार का जो ज्ञान है कृष्ण के अलावा मतलब कहीं पर भी विशेष रूप में दिखाई दिया ही नहीं, इस प्रकार का ज्ञान का श्रेष्ठ है। परास्त शक्ति विविध स्वाभाविक क्रिया ठाकुर जी ने स्वाभाविक क्रिया स्वाभाविक बल स्वाभाविक ज्ञान कोई उनको सिखाता नहीं कि ये कर लो, कोई उनको वन बीटा कंप्लीट पिलाता नहीं कि बल बन जाए थोड़ा बलवान बन जाए, जितने जाते हैं जानने के ठाकुर जी स्वाभाविक बल है स्वाभाविक क्रिया स्वाभाविक ज्ञान। तो इसमें बता रहे हैं कि भगवान का जो ज्ञान है वो परम ज्ञान गुह्य ज्ञान परम रहस्यमय ज्ञान और अद्वय ज्ञान है। तो फिल कृष्णास कविराज गोस्वामी के द्वारा जो ये ग्रंथ लिख रहे हैं इनको हमारे गुरुवर्ग में टीका कर रहे हैं, तो ज्ञान कितने प्रकार का बता रहे हैं, देखो प्रकारीकरण शुरू हो गया है धीरे 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 धीरे, ये इतना प्रकार ये उतना प्रकार तो सबको ध्यान रखना पड़ेगा। ज्ञान कितने प्रकार के यहाँ पे बता रहे हैं, ज्ञान चार प्रकार के, ज्ञान विज्ञान रहस्य और तदंग कितने प्रकार के हैं, चार प्रकार के बता रहे हैं,
जो संवाद थे बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन सुनते सुनते मन गति उपजे, तो श्रवण करते ही जी मन महाप्रभु चरण में कम से कम उसी भाव को कम से कम आनंद अगर ध्यान थोड़ा अगर कभी भी जीवन श्रवण करते ना तो कृष्ण कभी बात बोले सुनते सुनते मन गति उपजे, केहो बुझे केहो ना बुझे, कोई समझ में आए भी तो नहीं समझ में आए, सुनते सुनते हृदय में क्या होगा श्रीमन महाप्रभु के ऊपर क्या होगा वो भाव को गति उपजे, तो प्रेम उत्पन्न होगा। तो देखो ज्ञान विज्ञान रहस्य पद्धतंग, तो इसमें बता रहे हैं कि जो ब्रह्मा को स्वयं ठाकुर जी बोले तुम बद्ध जीव, ब्रह्मा को बोले तुम जो जीव हो, तुम ब्रह्मा को बोले तुम जो जीव हो, इस प्रकार जो मेरा परम गुरु है ज्ञान को वो केवल अंश मात्र तुम्हारे में ज्ञान है, केवल थोड़ा मात्र तुम्हारे में ज्ञान है। ब्रह्म स्तुति में भी बोलते हैं भगवान तेज इस प्रकार का भाषण तथा सकले तेज स्वयं प्रकट इस प्रकार का ज्ञान है। ब्रह्मा बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि प्रभु जिस प्रकार का एक रेडियो मान लो यहाँ पे तो मोती मार्ग की बात कह रहे हैं, लेकिन मानो एक रेडियो उदाहरण दे रहा हूँ, एक रेडियो रेडियो कैसे लाइटिंग होता है, उसमें बहुत देर तक लाइट का फोकस पड़े तो कुछ लाइट को ऑब्जर्व कर ले, तो वो बोल रहे हैं कि मैं तो आपको उसी ज्ञान का उसी परम ज्ञान का मात्र एक क्या हूँ, मतलब एक अंश से छीटा का छीटा भी नहीं, इसको प्राप्त करके ब्रह्मा सृष्टि करते हैं। और भागवत जी में भी श्लोक आया है जानन तो जानन, ब्रह्मा जी बोलते हैं प्रभु कोई बोलता है कि आपकी महिमा आपके संबंधित वस्तु को जान लेने दो, जानता है तो उसको जान लेने दो, मैं जगत पिता हूँ ब्रह्मा, मैं बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं पिता हूँ ब्रह्मा, जगत को सृष्टि करते हुए भी आपको नहीं जान पाया नहीं जान पाया नहीं जान पाया, इस प्रकार का ब्रह्मा का जो विचार है यहाँ पे बता रहे हैं कि तुम नहीं समझ सकते। तो ये जो चार प्रकार का ज्ञान बोले ज्ञान विज्ञान रहस्य कदम, तो भगवान बोले ज्ञान मेरा स्वरूप है, ज्ञान क्या है भगवान का स्वरूप, भगवान का जो स्वरूप शक्ति है वो पूरा का पूरा भगवान का ज्ञान है। और यहाँ पे बता रहे हैं कि विज्ञान विज्ञान भक्ति संबंध है, भगवान का विज्ञान क्या है भक्ति से संबंधित वस्तु है। देखो जो शास्त्र में जो तत् शब्द आया है, तत् शब्द जहां पर भी आया है थोड़ा सा संस्कृत बता दे रहा हूँ समझ में आया, तत् शब्द तीन प्रकार का शब्द आया है शास्त्र में, एक तत् पदार्थ शब्द, त्वम पदार्थ शब्द और एक जीव ब्रह्म एक शब्द। जहां पे तत् शब्द आया है को बोलते हैं कि भगवत संबंधित वस्तु तो ही मानना पड़ेगा, जहाँ पे त्वम पदार्थ शब्द है त्वम वाड आया है वो माया के संबंधित बता रहे, जहाँ पे जीव ब्रह्म शब्द आया है तो वहाँ पे जो ब्रह्मवादियों के लिए मान बता रहे। तो जो हमने कुछ दिन पहले बोले ग्रंथार समझ में जो लोग याद किए पहला श्लोक तर्क विज्ञान अर्थ तक वहां पे त्वम नहीं बोला गया है, माया संबंधित विज्ञान को जानने के लिए नहीं बोल रहे भगवत संबंधित विज्ञान। तो यहाँ पे जो विज्ञान है तो विज्ञान यहाँ पे बता रहे हैं कि ज्ञान तो मेरा स्वरूप है, भगवान स्वयं कह रहे ज्ञान भगवान का स्वरूप है, और विज्ञान क्या है भक्ति का संबंध है, विज्ञान अनुभूति भक्ति का संबंध है, भक्ति करते हैं भक्ति करते हैं भगवान के स्वरूप जो भक्ति है उसको ज्ञान रूप में हमने कर लिया कि हम तुलसी ग्रहण कर लिए, गर्दी धारण किए, एकादशी के प्रथम कीर्तन श्रवण किए, वैष्णव के साथ हरिनाम किए, एक ना एक दिन कृष्ण कभी भी हमको उस रस का आस्वादन करवाएंगे, किशोरी हमको कभी ना कभी निकुंज में गुरुवर्ग के आश्रित चरण अनुगत्य में हमको ले जाएंगे, हमको कभी ना कभी तो कृष्ण बोल देंगे कि भाई क्या भोग लगाए अच्छा तो भोग लगा, कभी ना कभी कृष्ण बोलेंगे कि क्या पहना रखा है तुमने अच्छा पहना है मुझे। तो जो अनुभूति वाला जो बात है जो गुरु वैष्णव के द्वारा कृष्ण कर लेते हैं, भक्तिपुरी गोस्वामी महाराज जी के मठ में राधा वृंदावन चंद्र मंदिर है हमारे रघुनाथ घोड़े मठ के थोड़े आगे, तो महाराज जी एक समय आनंद कर रहे थे ठाकुर जी स्वयं आगे बोल रहे वृंदावन चंद्र कि बोल रहे हैं कि अरे मेरे कटोरी कोई लेके जा रहा है तुम यहाँ बैठ के आनंद कर, इस प्रकार का उनका भाव है, इस प्रकार का हमारे परम गुरुदेव भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी मुझे बात मुनि महाराज जी बताया करते थे, एक बार बोल रहा था बोलने खीर भोग लगाए गोविंद बोलते पूरे में जो राधा गोविंद है हमारे परम गुरुदेव के मठ बोल रहे अरे मुझे खीर भोग लगाए तुमने क्या बोल रहा है खीर भोग लगाए,
मुझे बस होते बावन दोस्त में पानी की राधा रानी स्वयं बोलते हैं, अरे तुम्हारे कैसे पुजारे रख के गए हो, तीन दिन से जला हुआ केक भोग लग रहे, महाप्रभु खाने रहे, कृष्ण खाने रहे। तो इस प्रकार का भाव ये होगा, कभी जीव के हृदय में इस प्रकार का भाव होगा जो अनुभूति, अभी तो ज्ञान में चल रहा है बस, तो अनुभूति जो है वो विज्ञान है, वो विज्ञान का जो यहाँ पे होता है भक्ति का संबंध है। देखिए इसके आगे बता रहे हैं कि ज्ञान मेरा स्वरूप है, विज्ञान भक्ति संबंध है, जीव मेरा रहस्य है। देखो इसमें आगे भी जाएंगे ना, रहस्य का पांच भाग में विभक्त किया, रहस्य को भी पांच भाग में विभक्त कर रहे हैं, इसलिए यहाँ कुछ नहीं बोल रहा हूँ, इससे आगे आएगा। यहाँ पे बता रहे हैं कि जीव मेरा रहस्य है, जीव कण वो रहस्यमय है। क्यों रहस्यमय है, यहाँ पर सिंपली श्रवण करोगे, एक बद्ध जीव, तीन प्रकार का जीव होते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट है समझने की कोशिश करना, तीन प्रकार का जीव, मुक्त जीव, बद्ध जीव और मुक्त जीव, नित्य मुक्त, नित्य बद्ध। तो मुक्त जीव, मुक्त जीव क्या है, जो नित्य रूप में आते हैं और नित्य, इनके लिए शास्त्र में बोल रहा है न कर्म बंधनम वैष्णवानम च विद्यते विष्णुवानम च विद्यते मुक्त कृष्ण। वैष्णव का जिनका कर्म बंधन नहीं होता है वो बोलते हैं मुक्त जीव, और बोलते हैं बद्ध जीव। बद्ध जीव कौन है, वो देखते हैं तटस्थ शक्ति पर आ जाते हैं, एक किनारे पे आ जाते हैं, एक तरफ भगवान को चित शक्ति है, दूसरी तरफ माया है, तो वहां पे खड़े हो गए। जिनके हृदय में इच्छा होता है, क्या इच्छा होता है कि मैं चित जगत भगवान की ओर चला जाऊं, यहाँ पे क्यों आ गया मैं, जिनके हृदय में ये भाव उत्पन्न होता है वो तो भगवान के ऊपर आकृष्ट होते हैं, और भगवत चित शक्ति के द्वारा, भगवत चित शक्ति के द्वारा वो नित्य धाम में बद्धावस्था में भी धीरे 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 वो मुक्त हो जाते हैं। और जो माया बोलते हैं कि नहीं मैं थोड़ा क्या करूं संसार को भोग लू, तो निकटिया माया कर छापटिया करे, कृष्ण को ही मुखा हो भोग वंश करे, कृष्ण को उलट करके पीछे मुड़ करके, अगर कोई अगर माया के तरफ देखते हैं, कृष्ण को पीछे मुड़ करके अगर कोई माया की तरफ देखते हैं, तो उसको फिर माया में फिर पुनः जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में उसको फिर चक्कर काटना पड़ेगा, फिर चक्कर काटना पड़ेगा। इसमें हमारे परम गुरुदेव एक आर्टिकल में लिखे हैं, क्या लिखे हैं, सूर्य ठाकुर है, हम जीव है, और जो परछाई है वो क्या है, माया है। इसमें उदाहरण देते हुए बोल रहे हैं, अगर हम सूर्य के ओर मुख करेंगे माया हमारे पीछे, अगर सूर्य के अगर सूर्य के अगर बहिर्मुख करेंगे तो माया हमारे आगे वो पकड़ लेगा, तो परछाई को देखकर परम गुरुदेव उदाहरण दे रहे हैं। तो इसमें बता रहे हैं कि किस प्रकार जो जीव है माया शक्ति के कारण उसमें बद्धित होके जन्म मृत्यु जरा व्याधि ज्वरादि लक्षण में भटकते भटकते भटकते, फिर किसी ना किसी जन्म में किसी ना किसी ब्रह्मांड में उसको गुरु कृष्ण प्रसाद पाए, भक्ति लता भी ब्रह्मांड में घूमते, कौन भाग्यवान जीव, तो जीव ब्रह्मांड घूमते 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 कभी कभी उसको गुरुदेव वैष्णव का दर्शन होता है, तभी जाके उसको क्या होता है, थोड़ा थोड़ा जब आ जाता है उसमें प्रवेश हो जाता है वो, फिर क्या करता है वो जीव, फिर वो धीरे धीरे अगर भजन करने शुरू होता है तो कुछ प्रारंभ ही करता है, उसी जन्म में भी नहीं होता है लेकिन उसका विनाश भी नहीं होता है। भगवान स्वयं बोलते हैं नेहा विक्रमणानस्ति प्रत्यवायनो विद्यते सर्वमप्यस्य धर्मस्य जायते महत्वेन, भगवान स्वयं बोलते हैं गीता। तो उसी जीव का वहां पे पतन नहीं होता है, वो तो भक्ति में आ जाता है, किसी ना किसी जन्म में उसको वो अविष्ट प्राप्त होता है, किसी ना किसी जन्म में वो जाता ही जाता है, पक्का उसका मुक्ति होता है, लेकिन कितने जन्म में उसको कोई नहीं, तो एक जन्म में भी हो सकता है, सौ करोड़ जन्म में भी हो सकता है। तो ऐसे ऐसे भ्रमित होते 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 वो जीव क्या करता है, फिर इस प्रकार का बद्धित अवस्था में रहता है। एक एक जीव होते हैं साधन सीधा, साधन खूब मात्रा करते हैं, साधन करते 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 उनका अविष्ट प्राप्त होते चले जाते हैं, और एक होते हैं मुक्त साधन सीधा, वो क्या करते हैं इस प्रकार का उनके साधन का भाव बढ़ जाता है। जब भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं चौबत देह को पाए उग्रता को दूर जाए जिंग भंग है और ना आते, कि उग्रता को दूर हो जाते जो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर है उनके उनमें भी उनको भेद नहीं जान पाते, जो अंदर जो मन बुद्धि अहंकार में अहंकार में शरीर है वो लिंग भंग वो भंग हो जाता है, उनका खत्म हो जाता है, वो नित्य खुद इच्छा से अपने इच्छा से चले जाते हैं। इस प्रकार का उनका महिमा है, हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, कोई चाहेगा कि मैं इस ब्रह्मांड को भेद करके चला जाऊं कृष्ण के पास, मैं थोड़ा एक दो दिन के लिए बैठूंगा घूमाऊंगी, हो सकता है ऐसा नहीं, हो सकता है मैं
थोड़ा स्वर्ग की तरफ चले जाऊं, मैं थोड़ा नरक की तरफ चले जाऊं, ऐसा हो सकता है? कोई नहीं जा सकता, यही रुकेगा, वही रुकेगा। तो इसी प्रकार को इस प्रकार का जीव है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो नित्यबद्ध जीव, एक वाला है नित्यबद्ध जीव है, जो पंद्रह अवस्था में आता है उसमें तो घूमते घूमते किसी जन्म में गुरु का प्राप्त हो ही जाता है, गुरु का मतलब कुछ कुछ ना कुछ कारण हो जाता है। नित्यबद्ध क्यों कहा गया? बोले नित्यबद्ध इसलिए क्या, घूमते 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 अगर प्रलय हो गया तो प्रलय में जो कारण रखता है विष्णु है, उनके निश्वास से जिस प्रकार ब्रह्मांड सुखे होते हैं उसी प्रकार प्रलय में ब्रह्मांड उनके हृदय में चले जाते हैं, नासिका से अंदर चले जाते हैं। तो जैसे ही चले जाते हैं वो सब जीव वहीं बंध रहे, वो तो नित्य धाम जाने पर वो धीरे 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 क्या करते हैं, कारण रखते हैं विष्णु के हृदय में चले जाते हैं। फिर जैसे सृष्टि होता है फिर से वही